गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:19 और अभी मैं मालदा के से निकल रहा हूँ सिलीगुड़ी के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दशहरा सभी को, क्योंकि आज डेट है आपका 6 और मैं निकल रहा हूँ मालदा से सिलीगुड़ी के लिए, क्योंकि दशहरा का छुट्टी हो गया और मैं निकल चुका हूँ आपका ऑफिस के लिए। ऑफिस ड्यूटी शुरू हो गया मेरा, आज जाके ऑफिस ज्वाइन करना है, तो देखते हैं अभी कितने बजे तक जाके पहुँचते हैं घर, और घर से फ्रेश होके ऑफिस भी पहुँचना है। फिर प्रॉब्लम गोप्रो का, जस्ट अभी घर से स्टार्ट किया और गोप्रो ने हैंग कर दिया। सुबह सुबह मालदा का व्यू और एकदम रोड खाली, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तो होपफुली जल्दी से हम यहाँ से शहर से निकल पाएंगे। यह है मालदा का जान, मालदा का प्राण, महानंदा रिवर। खूबसूरत दिख रहा है मॉर्निंग के टाइम में। यही स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद जाके हाईवे में मिलते हैं। नहीं, रोड खाली है। जिस दिन मैंने सिलीगुड़ी से आया और उस दिन भी इतना बारिश हो रहा था, तो रास्ते में मैं गोप्रो ऑन करने का मौका ही नहीं मिला हमको। तो अभी सोच रहा है कि अभी सिलीगुड़ी जाते वक्त मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लो, क्योंकि बहुत दिन हो गया रोड ट्रिप का ब्लॉग नहीं आया। क्योंकि एक तो शायद रील्स मैंने अपलोड किया था कि आप दुर्गा पूजा के कारण से मेरा खास ब्लॉग आता है कि रोड ट्रिप का ब्लॉग, वो रोड ट्रिप का ब्लॉग नहीं आया। तो ये दुर्गा पूजा के बाद मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी एक रोड ट्रिप का सीरीज आने वाला है आपके सामने। तो अभी कौन सा आने वाला है, 2-3 का तो है, बकेट लिस्ट में है, तो उसका प्लानिंग चल रहा है, मगर फिलहाल के लिए खास एक बहुत दिन से, बहुत साल से एक प्लानिंग चल रहा था कि एक रोड ट्रिप आपके सामने रखूं मैं। तो देखते हैं अभी। इतना देर तो अच्छा ही बाइक चला रहा था, पता नहीं कहाँ से अभी ये फॉग आ गया, तो स्पीड मेरा अच्छा खासा था, तो अभी स्पीड भी लिमिट कम हो गया। ये एकदम स्ट्रेट हाईवे है, आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, और आगे से कुछ उतना क्लियर ही नहीं दिखाई दे रहा है, इतना फॉगी है। मैं एक टोल गेट में पहुंच चुका हूं, इसका नाम है फरक्का रायगंज वाला जो टोल गेट है उसमें मैं पहुंचा। अरे मैं फ्लाई ओवर चल रहा हूं, मुझे लग रहा है कहां ये रास्ता लेके जा रहा है मुझे फॉगी के कर चलते हुए। लगा ये नजरिया कम से कम तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए। आप देखिए एक रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके ये तोड़ रहा है, कुछ पता नहीं, इतना सा फॉगी होके रखा है। ये तो एकदम विंटर महीना जैसा एकदम कोहरा हो गया। यहाँ पे सूरज भी आ चुका है मगर कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रायगंज पहुंच चुका हूँ, और ये अगर फ्लाईओवर जो रायगंज पहुंचने से पहले जो फ्लाईओवर आता है, ये अगर बन जाए ना तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा, बहुत टाइम सेव हो जाएगा।
और क्या करे, वेट करना पड़ेगा। कम से कम मैं एक बार साइड वाला रोड है उससे गया था आगे, मगर मुझे आगे तो कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम खेती खेती है, एकदम खेती के ऊपर से, मतलब क्या बोले, वहाँ पे तो ये फ्लाईओवर का पिलर भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कम से कम मेरे ख्याल से और 2 साल तो लगेगा। हो गया रायगंज क्रॉस, अभी हम कुलिक बोल के जो जगह है, कुलिक क्रॉस कर रहे हैं। कुलिक ये एक्चुअली बर्ड सेंचुरी के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली ये कुलिक वो जो बोल के जो जगह है, बहुत माइग्रेटेड बर्ड यहाँ पे आते हैं। तो कुलिक में जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बोलिए बर्ड सेंचुरी जो है, वो आपको एंट्री लेने के लिए मेरे ख्याल से यही राइट साइड से कोई गेट है, जो गेट से आपको अंदर जाना पड़ेगा शायद से, यस इफ आई नॉट रॉन्ग, सो दैट्स अ गेट। अभी के टाइम हो रहा है 6:30, मतलब 6:35। मैं रायगंज क्रॉस कर रहा हूँ, मैं डाकोला से जस्ट पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी देर है, जस्ट 17 किलोमीटर पहले डाकोला से। मैं ये रास्ता आपको ना दिखा के रह नहीं पाया, इतना बढ़िया रास्ता बनाया रायगंज से लेके तालकोला तक, आप देख सकते हो। और ये मुझे एसयूवी क्रॉस कर रहा है 100 एमएम स्पीड में ये रूट पे, और ये 6 लेन बना दिया है यार, क्या बढ़िया रास्ता बना दिया है। ये वही जगह है डालखोला का लेवल क्रॉसिंग, इसके नीचे ब्रिज के नीचे जस्ट, यहाँ पे इतना जैम लगता था, लिटरली लोग फेडा हो गया जाता था यहाँ पे। और ये फ्लाईओवर बनाने के लिए यहाँ का लोकल लोग बहुत बार आंदोलन किए हैं। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 7:05 और मैं पहुँच चुका हूँ आपका पूर्णिया मोड़। मेरे लेफ्ट आगे से एक मोड़ आएगा जहाँ से लेफ्ट निकल जाएगा आपका पूर्णिया बिहार के तरफ, और मैं ये रूट के उस साइड के, बेसिकली ये अभी आपका मेरे ख्याल से ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, ये रोड साइड उस साइड में बिहार है, इस साइड में वेस्ट बंगाल है, और अगर लेफ्ट चले जाते हैं तो आप पूर्णिया होके दिल्ली या रेस्ट ऑफ इंडिया किसी भी पार्ट जा सकते हैं, और अगर राइट चले जाते हैं तो ईस्टर्न पार्ट से आपका कनेक्ट हो जाएगा, जैसे किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी। यहाँ से सिलीगुड़ी आपका 127 किलोमीटर है, तो गवर्नमेंट बस वाला 3 और लग जाएगा जैम, कौन किसके आगे जाएगा। यार क्या हालत है रास्ते का, अभी तो कितना अच्छा रास्ता से आए, अभी देखिए रास्ते का हालत देखिए, अरे रे 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 रे, ये तो गांव का सड़क से भी बेहाल हालत है इसका। टाइम हो चुका है 7:25 और मैं पहुंच चुका हूं किशनगंज पे, और किशनगंज पे पहले रास्ता इतना खराब है खास करके पूर्णिया मोड़ से किशनगंज तक, अभी तक मुझे इतना खराब रास्ता मिला यार मत बोलो। और ये जो होता है ना क्या पॉट होल्स, अरे यार लिटरली आप अगर रात में चलाओगे ना तो इतना तकलीफ देने वाला है क्या बताऊँ आपको, मगर फिर भी ध्यान से चलाया। आउच, और ये हो गया स्पीड ब्रेकर, अरे यहाँ और इतना सारा स्पीड ब्रेकर कौन दे के रखता है यार नेशनल हाईवे पे। रास्ते का हालत मत देखिए, बहुत खराब है, ये देखिए
से लगा राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से जो रास्ता जाता है वो सीधा चला जाता है सिलगुड़ी, लेफ्ट वाला रास्ता निकल जाता है इस्लामपुर के लिए। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं यहाँ पे रुका था चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत पहले मैं मालदा से निकला तकरीबन 5:20 पे, और अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 8:05, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, निकल गया इस्लामपुर भी क्रॉस कर लिया। मैं एग्जैक्ट मुझे ये जगह का नाम नहीं पता, मैं थोड़ा रुका हूँ यहाँ पे सिर्फ चाय पीने के लिए, बस चाय पीना हो जाए बस मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ। मेरा टारगेट है तकरीबन 9:30 तक सिलीगुड़ी पहुँचने का, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। ये दुकान में मैंने चाय पिया, चलिए चाय ब्रेक हो गया यहाँ से, अभी यहाँ से निकल के चलते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नॉन स्टॉप। ये पार्ट जो है इतना ग्रीनरी है पूरा रोड के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये साइड में आपको चाय बगान देखने के लिए मिल जाएगा, ये साइड में भी चाय बगान है, और यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है। वेदर भी पहले से सुबह जो वेदर था और सुबह का अभी गलती को देखा, डबल गाड़ी चल रहा है फोर लेन में और हेलमेट भी नहीं है साथ में। हो चुका है और मैं पहुंच चुका हूं घोष पुकुर टोल प्लाजा, और फिलहाल के लिए मैं पहले जाऊंगा मेरा घर, वहां पे जाके मुझे ड्रेस चेंज करना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है और यूनिफॉर्म पहनना है ऑफिस का, और सीधा निकल जाना है ऑफिस के लिए। तो मैं सीधा पाटोकड़ा होते हुए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं राइट टर्न लेके घुसपुर होके फुलवारी होके मैं सिलीगुड़ी में एंट्री लूंगा। ये मैं पहुंच चुका हूं महानंदा बराज पे, ये महानंदा रिवर का ऊपर एक बैरेज बना हुआ है, और ये जो पुल है मतलब ये जो ब्रिज है ये व्हीकल्स के लिए बहुत नया बना है, ये पुराना नहीं है नया बना है, पहले वो वाला बैरेज रोड था, अभी ये वाला रोड है और ये नया बनाया हुआ है। फिलहाल के लिए अभी टाइम हो रहा है आपका 9:09। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ तीन बत्ती मोड़, तो तीन बत्ती मोड़ में ऐसा है कि यहाँ से मैं आज के लिए ब्लॉग तो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ऑफिस जाऊँगा, मुझे घर जाना है, थोड़ा फ्रेश भी होना है। बस इतना तक ही बोलना था, ब्लॉग आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू, बाय बाय। जब बहुत जल्दी आप लोगों के साथ कोई नया ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू।